मोटिवेशनल स्पीकर एंड बड़ा बिजनेस के सीईओ एंड फाउंडर विवेक बिंद्रा पर अपनी पत्नी के साथ मारपीट का आरोप लगा है दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 126 में उनकी पत्नी यानिका के भाई वैभव क्वात्रा ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है अधिकारियों ने आरोपों की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि की जाँच के आधार आरोप उचित कार्रवाई की जाएगी हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब विवेक बिंद्रा को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी हुई है पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं पाँच करोड़ के घोटाले ऐसी लेकर सिखों की आस्था को चोट पहुँचाने तक कई विवादों से विवेक बिंद्रा का नाम जुड़ा रहा है चलिए इस वीडियो में जानते हैं पहले बात करते हैं उनके लेटेस्ट कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में जो उनकी पत्नी यानिका को लेकर है तो बिंद्रा और यानिका की शादी छह दिसंबर दो को हुई थी और नोनोएडा के सेक्टर चौरानवे के एक पोष सोसाइटी में रह रहे थे एफ के मुताबिक शादी के कुछ घंटों के बाद बिंद्रा कथित तौर पर यानिका को एक कमरे के अंदर ले गए उन्हें गालियां दी उनके बाल खींचे और उनके साथ मारपीट की शिकायत में दावा किया गया है कि मारपीट के कारण यानिका ठीक से सुन नहीं पा रही है बिंद्रा ने कथित तौर पर उनका फोन भी तोड़ दिया है उन्हें दिल्ली के एक, एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है इसके अलावा जो उनका हाल ही में कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है वो संदीप माहेश्वरी के साथ चल रही है हाल ही में यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने उन पर स्कैम चलाने का आरोप लगाया था दरअसल संदीप माहेश्वरी ने बिग स्कैम एक्सपोज नाम से एक वीडियो जारी किया जिसमें बिंद्रा पर मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा कोर्स चलाने का आरोप लगाया गया कथित घोटाले में छात्रों को बिजनेस सिखाने के लिए बड़ी रकम लेना शामिल है और ये अमाउंट तकरीबन 500 करोड़ रुपए की है इन आरोपों पर बिंद्रा ने अपने YouTube चैनल पर जवाब भी दिया और किसी भी गलत काम से इनकार किया ये विवाद तब और बढ़ गया जब माहेश्वरी ने कहा कि बिंद्रा ने अपने लोगों को मेरे घर भेजा है और ऑफिस में भेजना शुरू कर दिया है इसके अलावा जो इनकी कंट्रोवर्सी है वो सिख समुदाय के साथ भी रही है इससे पहले जून दो में बिंद्रा को अपने एक वीडियो के चलते विवाद का सामना करना पड़ा था दरअसल मोटिवेशनल स्पीकर ने अपने वीडियो में गुरु गोविंद सिंह के एनिमेशन का इस्तेमाल किया था इस पर उन्हें सिख समुदाय की आलोचना का सामना करना पड़ा था हालांकि बाद में उन्होंने इस पर माफी भी मांग ली थी इसके अलावा विवेक बिंद्रा वर्सेस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी रहा है जी हां 2018 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आई ने बिंद्रा के खिलाफ केस दर्ज करवाया था आई ने बिंद्रा पर रियलिटी ऑफ इंडियन मेडिकल सिस्टम टाइटल वाले वीडियो में डॉक्टर्स के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था इतना ही नहीं उनके खिलाफ 50 करोड़ रुपए की मानहानि का केस भी किया था हालांकि इस केस में बाद में बिंद्रा को जीत मिली थी वेल जो उनका लेटेस्ट मामला है उनकी वाइफ के साथ जो चल रहा है इनकी पहली जो पत्नी थी गीतिका उन्होंने भी ंद्रा पर आरोप लगाए थे और वो मामला भी काफी टाइम से कोर्ट में चल रहा था अब लेटेस्ट में किसकी गलती है किसकी कौन सही है कौन गलत है इसको लेकर हम लोग लगातार विवेक विन्द्रा से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल उनका कोई जवाब नहीं आया है वेल आपको क्या लगता है कॉमेंट करके जरूर बताए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड गुडरटन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले